आज की इस वीडियो में मैं आपको भूरा फुदका के मारने की स्पेशल व सबसे अत्यधिक प्रभावशाली दवा पाइमेट्रोजिन 50% वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुलर के बारे में बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ भूरा फुदका को मारने के लिए ही किया जाता है, बल्कि चूसने व चबाने वाले कीटों को मारने के लिए भी किया जाता है और ये अपना बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करती है। ये काम कैसे करती है, यानी कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसका किस मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए और कब प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे हमें सबसे बढ़िया रिजल्ट मिले, इत्यादि सारी जानकारियों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। पाइमेट्रोजिन 50% WG भूरा फुदका पर उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करने वाली प्रणालीगत चयनात्मक कीटनाशक दवा है, जो कि चूसने व चबाने वाले कीटों पर भी बेहतरीन परिणाम प्रदान करती है। पाइमेट्रोजिन में ट्रांसलेमिनर गुण भी पाए जाते हैं, मतलब दवा पत्ती के ऊपर पड़ती है तो वह निचली सतह तक भी चली जाती है। यही कारण है कि यह अन्य कीटनाशकों की अपेक्षा उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करती है। पाइमेट्रोजिन का प्रयोग आपको सुबह जल्दी या फिर शाम को देर से करना चाहिए, क्योंकि इसी समय में जो कीट हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। पाइमेट्रोजिन के छिड़काव के 15 मिनट बाद ही आपको इसके परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि जो भी कीट हैं, जो भूरा फुदका है, वो तुरंत ही पंग होकर के गिर जाएगा और थोड़ी देर बाद में घंटे दो घंटे में वो भुखमरी के कारण मर जाएगा। पाइमेट्रोजिन में रैन फास्टनेस भी बहुत जल्दी की पाई जाती है, यानी कि 2 घंटे में पूरी तरीके से पौधों के ऊतक के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यह कीटकों पर अपना असर दिखाता रहता है। यानी कि 2 घंटे में अगर बरसात हो जाती है तो भी पाइमेट्रोजिन के परिणाम खराब नहीं होंगे, अपना पूरा पूरा असर दिखाएगी। भूरा फुदका की समस्या सबसे ज्यादा धान में पाई जाती है, तो देखा जाए तो पाइमेट्रोजिन स्पेशल धान के लिए ही है। पाइमेट्रोजिन का धान में भूरा फुदका के नियंत्रण के लिए प्रयोग का सबसे सही समय है कि जब धान के ट्रांसप्लांटिंग के 55 से 60 दिन पूरे हो रहे हों, तभी आप इसका प्रयोग कर लें, जिससे भूरा फुदका लगे ही नहीं। अगर दोबारा प्रयोग करना पड़ता है या आप देर कर रहे हैं तो फ्लावरिंग के बूटिंग स्टेज में आपको प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे आपकी फसल का नुकसान ना हो, आपको आपकी फसल का बेहतरीन उत्पादन मिल सके। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि पाइमेट्रोजिन का किसी भी फसल में 2 बार से अधिक प्रयोग नहीं करना है। बात करें अगर इसके प्रयोग के मात्रा की, तो 120 ग्राम प्रति एकड़, 150 से 200 लीटर पानी में हालोकोन या फिर साबर नाजिल लगी हुई मशीन से आपको छिड़काव कार्य को पूरा करना है। इसकी टॉक्सिसिटी ब्लू लेवल की होती है और इसका वेटिंग पीरियड 19 दिन का होता है। बात करें पाइमेट्रोजिन के मार्केटिंग नाम और निर्माता कंपनी की, तो पायलजाज से होपमार, धानुका से अप्लाई, सजेंटा से चेस, HPM से पाइमेट्रो, इंसेक्टिसाइड इंडिया से महिर, वेस्ट एग्रोलाइफ से पाइमैक्स, कोरोमंडल से अस्त्र, कात्यायनी से BPH सुपर, अनु प्रोडक्ट से फुलचार। इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app टू नेवर मिस एन अपडेट।